उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न पर पत्रकारों पर भड़क उठे। पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह भी दी। बीजेपी सांसद ने पत्रकार से कहा कि विदेश जाकर देखिए कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थितियां किस प्रकार से बिगड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ी है। उसकी तुलना में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण पा लिया है बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगाई। इस समय महंगाई की स्थिति भारत में बहुत नियंत्रण में। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रामराज में सब संभव है के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि रामराज में रावण भी पैदा होता है और इस बात को सभी जानते हैं कि रावण को मिट्टी में मिलाने का काम यह सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार अपराधियों को अपनी गोद में बैठाने का काम करती थी जिससे गुंडे माफियों का मन लगातार बढ़ता था, पर अब समय बदल गया है। आज कोई भी व्यक्ति घटना को अंजाम देगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आजमगढ़ के विकास के संदर्भ में कहा कि जिले में इन्वेस्टमेंट कराने को लेकर पहले जिले का मास्टर प्लान का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की जाएगी। आजमगढ़ के बड़ी संख्या के लोग दूसरे देशों में रहते हैं, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इस मामले को लेकर डीएम से भी बात हो चुकी है, इसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पर किसानों के धरने को लेकर भाजपा सांसद का कहना है कि किसान भाई राजनीति के शिकार हो रहे हैं, इन किसानों को सपा के नेता भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिले का डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, लाइसेंस मिल गया। सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में जो अधिकारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे उनके पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में जो सड़कें बननी है सब लिख कर दिया और विभाग से पास भी हुई हैं, जल्द से जल्द सड़कें बनवाई जाएंगी। सांसद यादव ने कहा कि 50 साल से जिले की सड़कों के विकास के लिए इतना पैसा आज तक नहीं आया। हमारी सरकार आज की नहीं आगे की चिंता करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में भाजपा सांसद का कहना है कि आज पूरा देश जश्न मना रहा है। बजट दिखाता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा है।